नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू परिहार, आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ साइकोलॉजी से इम्पोर्टेंट फिजिकल एजुकेशन के प्रश्न लाया हूँ, जिस जो भी छात्र छात्राएँ हैं NVS, KVS, DSSB, बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं फिजिकल एजुकेशन से, वो कुछ क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। प्रश्न नंबर 1, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा की देन है? ऑप्शन लेटिन भाषा की, यूनानी भाषा की, यूनानी लेटिन भाषा की, उपयोग सभी। आंसर है यूनानी भाषा की। दूसरा प्रश्न आपके लिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है शिक्षाविदों को, सरकार नीतियों को, औद्योगिक क्रांति को, मनोविज्ञान को। राइट आंसर है मनोविज्ञान को। तीसरा प्रश्न है, भारतीय दर्शन का मूल्य क्या है? ऑप्शन है आपके सामने ईश्वर का दर्शन, आत्मा का दर्शन, ब्रह्मा का दर्शन, संस्कृति का दर्शन। आंसर है संस्कृति का दर्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रायड के अनुसार मनोविश्लेषण विधि को अपनाने वाले वैज्ञानिक थे? ऑप्शन आपके सामने हैं एडलर और जुंग, हर्बर्ट, फ्राबेल, ड्रेवर। इसका आंसर है एडलर और जुंग। नेक्स्ट पे चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। रोरसा परीक्षा में कार्ड होते हैं? ऑप्शन आपके सामने हैं 8, 10, 12, 15। इसका सही आंसर है 10, इसमें 10 कार्ड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हुए हैं, कोशिश की है पहली बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बालक एक पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक को करना चाहिए, यह कथन किस वैज्ञानिक का है? ऑप्शन आपके सामने हैं वाटसन, वुडवर्थ, रूसो, प्लूटो। इसका आंसर है रूसो। चलिए नेक्स्ट पर, मनोविज्ञान की विधियों में निरीक्षण विधि के प्रमुख पद भाग कितने हैं? साइकोलॉजी है, थोड़ा टिपिकल भाषा होती है इसमें। ऑप्शन है 4, 3, 2, 1, आपने चुनाव कर लिया होगा। इसका राइट आंसर है 2। चलिए नेक्स्ट पर, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षा और मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है? ऑप्शन है मानव व्यवहार, इतिहास एवं संस्कृति, दर्शन शास्त्र, शिक्षा शास्त्र। इसका सही आंसर मानव व्यवहार। चलिए नेक्स्ट पर, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसका सवाल, ये प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जब आपको नहीं आएगा, वैसे तो आपको आ जाएगा, और नहीं आएगा तो इसका आंसर हम आपको दे देंगे। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, ये तो आपको आता होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा इसमें। सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का या मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया,
तथा अब वह व्यवहार विधि को स्वीकार करता है, यह कथन किसका है? इसका सही आंसर है वुडवर्थ। शिक्षा मनोविज्ञान को प्रयुक्त किए जाने से शिक्षा का स्वरूप बना है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, बाल केंद्रित, सरकार केंद्र, समाज केंद्रित। इसमें ये साइकोलॉजी थोड़ा सा ये ऐसा लगता है जैसे कि सभी क्वेश्चन जो आंसर मिल रहे हैं वो कोई ना कोई एक है उनमें से, मतलब दो भी लगते हैं, तीन भी लगते हैं और चारों के चारों भी लगते हैं, मगर एक ही क्वेश्चन सही होता है उसमें। तो इसका सही आंसर बाल केंद्रित है। चलिए नेक्स्ट पर, बालक एक पुस्तक है, इसका आंसर भी आप ही देंगे कमेंट्स बॉक्स में। बालक एक पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्यापक को करना चाहिए, यह कथन किसका है? ऑप्शन है वाटसन, रूसो, वुडवर्थ और प्लूटो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर, मैं छोड़ इसलिए रहा हूँ कुछ क्वेश्चन जिससे आपका भी हमें पता चले कि कैसी तैयारी चल रही है, बाकी आंसर तो मैं दे ही दूंगा। और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं हमने क्योंकि साइकोलॉजी ही होती है, बाकी सब्जेक्ट तो हम लोग कर लेते हैं, अधिकतम एक जैसे वो प्रश्न आते हैं तो मैक्सिमम तो हम काफ़ी कर लेते हैं, बस 10 से 15 क्वेश्चन ही होते हैं जो हमें सिलेक्शन कराते हैं और यहीं पर हम गलती कर देते हैं, इस वजह से हमारा एक या दो नंबर से हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र रूप से, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में, व्यवहार के रूप में। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर है समग्र रूप से। चलिए नेक्स्ट पर, ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको आता होगा। थर्डनाइक के अनुसार सीखना है त्रुटि का परिणाम, प्रयास एवं त्रुटि का परिणाम, सूझबूझ का परिणाम, प्रयास का परिणाम। सिंपल है, इसको मैं इसलिए छोड़ता हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट पर, ये थोड़ा सा काफ़ी पढ़ा हुआ है मगर थोड़ा सा टिपिकल भाषा में, इसलिए इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन है, सुल्तान चिंपैंजी का परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था तथा प्रधान का नाम क्या है? ये वैज्ञानिक और उनके सिद्धांत का नाम दिया है। तो ऑप्शन है थार्नडाइक पुनर्वलन का सिद्धांत, थार्नडाइक अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, कोहलर अनुबंध का सिद्धांत। ये थोड़ा सा हमने टिपिकल बना दिया है इसको, इसका आंसर है कोहलर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट पर, कोहलर द्वारा प्रयोग किसके ऊपर किया गया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये और मैं चाहता हूँ इसका आंसर भी आप लोग दें। ऑप्शन है चिंपांजी, बंदर, कुत्ता, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट पर, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मूल प्रकृति मैकडूगल के अनुसार है ये, कितने प्रकार की है? 12, 14, 15, 16। इसका सही आंसर है 14, बी। व्यक्तित्व का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया? ऑप्शन है आपके सामने, कैटल, जुंग, हिप्पोक्रेटस, ऑलपोर्ट। इसका सही आंसर आपको पता होगा, हिप्पोक्रेटस। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, थार्नडाइक द्वारा बताए गए प्रकारों में से उपयुक्त में से कौन सा प्रकार नहीं है? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि,
नैतिक बुद्धि? इसका आंसर भी आप लोग ही कमेंट बॉक्स में देंगे, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पर, स्पीयरमैन ने बुद्धि के किस प्रकार को वास्तविक मानसिक शक्ति माना? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है जी कारक, एस कारक, जी और एस कारक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है जी कारक। लास्ट और अंतिम सवाल आपके लिए, निम्न में से जन्मजात प्रेरक नहीं है, भूख, सॉरी आदत है ये, आदत, प्यार, नींद। इसका आप सही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आज के प्रश्न आपने देखे साइकोलॉजी से किस टाइप के थे, आप बताइएगा ज़रूर कि लेवल कैसा है। इसी तरह आप भी लगातार बने रहिए, ये मत सोचिएगा कि अभी एग्ज़ाम, अभी मैं सुन रहा था काफ़ी लोगों से कि अभी भर्ती नहीं आने वाली, दो साल तीन साल या जो भी, तो भाई हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें अपना कंटिन्यू रखना है, क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं रखेंगे तो हमारा जो बना हुआ है वो फिर से हमें तैयार करना पड़ेगा। तो हमें कोशिश करना है कि हम लगातार रिदम में बने रहें। अब भर्ती जब भी आए वो देखते हैं, बट हमें आप लोगों से सभी से हमारा निवेदन है कि ये मत सोचिएगा कि भर्ती नहीं आने वाली, कभी भी आएगी आएगी, उससे अच्छा है कि हम क्यों ना और अच्छी तैयारी करें, तो जिससे हमारा आने वाला टाइम में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और सफलता के द्वार हमारे लिए जल्दी खुल जाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कृपया बताइएगा ज़रूर। धन्यवाद।